हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैलेंडर का तीसरा वीडियो। तो कैलेंडर टॉपिक के मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, जिन्होंने दो वीडियो नहीं देखे हो वो पहले आप वहाँ देख लें। ठीक है, और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी वर्ष किस वार को शुरू होता है, किस वार को खत्म हो जाता है, आज से 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष बाद कौन सा वार होगा। इस तरह के जो भी सवाल होंगे वर्षों पर रिलेटेड, मतलब जैसे 2020 अभी चल रहा है, 2020 वापस सेम ये का ये कैलेंडर कहां रिपीट होगा, कौन से वर्ष में रिपीट होगा, इस तरह के सवाल पढ़ेंगे अपन इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ष कितने टाइप के होते हैं। तो वर्ष होते हैं दो टाइप के, एक है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन और लीप वर्ष जिसमें एक दिन बढ़ जाता है 366 दिन। उसके बाद आपने सबने पढ़ा होगा कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होते हैं वो वापस खत्म भी उसी वार को ही होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो, यहाँ पर मैंने कल आपको वीडियो में एक चीज़ समझाई थी, वो मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि 1 तारीख से 8 तारीख तक टोटल कितने दिन होते हैं। तो 1 तारीख से 8 तारीख तक टोटल कितने दिन होते हैं, तो 8 दिन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 तारीख से 8 तारीख के बीच कितने दिनों का अंतर रहता है, डिफरेंस कितना रहता है, तो वो डिफरेंस कितना होता है, 7 दिन का। और कभी भी कैलेंडर के टॉपिक में अगर आपको वार याद करना हो कि इस डेट से उस डेट का वार पता करो, तो वार पता करने के लिए हमेशा काम में लिया जाता है किसको, अंतर को। ठीक है, अंतर कितने दिनों का है उससे मतलब होता है। तो अगर 1 तारीख को माना है कि बुधवार रहा हो, तो 8 तारीख को क्या वार रहेगा, तो 1 तारीख और 8 तारीख में 7 दिन का अंतर है। और 7 दिन का मतलब है 7 दिन बाद सारे वार वापस रिपीट हो जाते हैं, इसलिए 7 दिन बाद वापस क्या वार आएगा, बुधवार ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहां पर, ये कहानी यहां समझना आप। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो ये 365 दिन तो कौन से हुए, टोटल वाले, कि टोटल 365 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन, तो यहां से यहां तक कितना अंतर होगा, तो अंतर 365 नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो टोटल से हमेशा एक कम ही होता है। तो यहां से यहां डिफरेंस कितना होगा, तो एक कम कर दो, डिफरेंस होगा 364 दिन का। मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार रहा हो, तो आपको यहाँ का वार अगर निकालना है तो 364 दिन आपको आगे जाना पड़ेगा। अब 364 दिन आगे जाके पता करते हैं वार क्या पड़ेगा, तो 364 दिन में पता करते हैं कि कितने सप्ताह हो गए और कितने दिन एक्स्ट्रा और बचे हुए हैं। तो इसमें भाग लगाते हैं अपन 7 का 7 5 35, नेक्स्ट 1 और 4, ये हो गया 7 दुनी 14, यहां से क्या बचा, 0। इसका मतलब हुआ कि यहां पर टोटल कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह, लेकिन दिन एक भी नहीं बच रहा है। और आपको कल वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि जब भी दो डेट के बीच में अगर सप्ताह पूरे पड़ रहे हो, मतलब कोई भी दिन ऊपर नीचे नहीं हो, तो दोनों डेट का वार हमेशा सेम ही होता है। तो यहां पर यहां से यहां आने में टोटल 52 सप्ताह का गैप पड़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां का वार और यहां का वार क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। तो 2019 जिस वार को शुरू हुआ, 2019 खत्म भी उसी वार को ही हुआ, इसलिए कहा जाता है कि साधारण वर्ष की शुरुआत और अंतिम दोनों एक ही वार को होता है। अब आते हैं अपन अगले वाले में, लीप वर्ष में। अब आप लीप वर्ष में देखो कि 1 जनवरी 2020 अभी जो चल रहा है 2020, यहां पर पहले दिन क्या वार था, तो अपन आते हैं कि 31 दिसंबर 2019 कब खत्म हुआ है, मंगलवार को। तो साल का लास्ट दिन मंगलवार था, इसलिए साल का पहला दिन यहां पर क्या वार हो जाएगा, बुधवार। तो ये था बुधवार 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, अब बात करते हैं 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। तो आप समझो कि यहां इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, बस एक दिन एक्स्ट्रा है। तो एक दिन बीच में एक्स्ट्रा आने से ये जिस वार को शुरू हो रहा है उस वार को वापस खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये खत्म कब हो पाएगा, एक दिन जस्ट आगे चले जाओ। तो यहां पर बुधवार है, तो अंतिम दिन बुधवार नहीं हो सकता, यहां पर अंतिम दिन क्या हो सकता है, गुरुवार। ठीक है, तो ये है लीप वर्ष जो एक दिन आगे जाके खत्म होते हैं। अब सवाल कैसे बनेंगे, तो आपको मैं सवाल कैसे बने उसके लिए समझाता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं नीचे 1 जनवरी 2020, ठीक है, यहां पर है क्या, बुधवार, और यहां पर पता करते हैं ये 1 जनवरी 2021 का वार,
कि यहां गुरुवार है तो यहां का वार आगे जस्ट एक दिन बाद क्या वार पड़ेगा, शुक्रवार। ठीक है, और अब मैं यहां से बीच में इन चीजों को हटा देता हूं। तो देखो 1 जनवरी और यहां पर भी 1 जनवरी 2019-2020 सेम डेट, एक साल आगे। ठीक है, 2020-2021 एक जनवरी है, मतलब सेम डेट एक साल आगे। अगर सेम डेट एक साल आगे जाते हो और यहां पर साधारण वर्ष से अगर आप आगे जा रहे हो तो यहां पर देखो मंगलवार से क्या हो रहा है, बुधवार, मतलब कितना आगे बढ़ा है, एक दिन। लेकिन यहां की बात करें तो बुधवार से यहां पर क्या हो गया, शुक्रवार, मतलब कितने दिन आगे बढ़े, यहां पर 2 दिन। अब हुआ क्या है, यहां पर लीप वर्ष के कारण कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन। लेकिन याद रखना ये लीप वर्ष जो है उसके कारण नहीं है, ये तो पूरा वर्ष हो गया एक तरह का। आपको लीप वर्ष के अंदर ध्यान किसको रखना है, 29 फरवरी को। मतलब ये है कि अगर 29 फरवरी बीच में पड़ रही है, मतलब जिस डेट का वार निकालने जा रहे हो उन दोनों डेट के बीच में अगर 29 फरवरी पड़ती है तो ही आप 2 दिन आगे जाओगे या 2 दिन पीछे जाओगे। ठीक है, भले वो लीप वर्ष है और अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो 2 दिन नहीं बढ़ते हैं। कैसे, मैं आपको सवाल से आगे समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। 1 फरवरी 2018 को माना कि रविवार था तो 1 फरवरी 2019 को क्या वार होगा, सेम डेट है और एक साल आगे जाना है आपको कि सेम डेट एक साल आगे क्या वार होगा। 2018 और 2019 कोई लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब जब लीप वर्ष नहीं है तो कितना बढ़ेंगे, 1 दिन। तो रविवार वहां था तो यहां का वार क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, सेकेंड सवाल देखो, 3 मई जो आने वाली है, 3 मई 2020 को क्या वार है, रविवार। ठीक है, तो 3 मई 2021 को क्या वार होगा। अब 2020 क्या है, लीप वर्ष है और बहुत सारे क्या याद रखते हैं कि लीप वर्ष से आगे जाने पर कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन। लेकिन आपको मैंने अभी आगे बताया था लीप वर्ष में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही है, सब कुछ वहां पर है। तो अगर यहां पर अपन देखें तो 3 मई 2020 है, इसका मतलब 2020 लीप वर्ष भले ही हो लेकिन अपन तो मई से आगे जा रहे हैं, और अगर 2020 की मई से आगे जाएंगे तो यहां पर फरवरी किसकी पड़ेगी बीच में, 21 वाले की, क्योंकि अपन मई का महीने तक जाएंगे तो फरवरी यहां आएगी। इसका मतलब हुआ कि 2020 की फरवरी पीछे निकल चुकी है, तो जो दिन बढ़ना था वो पीछे बढ़ चुका है। अब यहां से यहां जाने में कोई दिन नहीं बढ़ने वाला है, तो भले ये लीप वर्ष है लेकिन अपन बढ़ेंगे 2 दिन नहीं बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, सिर्फ 1 दिन। तो यहां पर रविवार है तो यहां का वार क्या हो जाएगा, सोमवार। अब देखो तीसरा सवाल, 27 मार्च 1899 को शुक्रवार था। ठीक है, तो यदि शुक्रवार था वहां पर तो 27 मार्च 1901 को क्या वार था, ये एक सवाल पूछा गया था। तो 1899 से 1901 जाना है तो कितने वर्ष का गैप हो रहा है, 2 वर्ष का। तो बीच में जो वर्ष आया होगा वो कौन सा आया होगा, 1900। तो यहां पर अपन सेम डेट लिख लेते हैं कि 27 मार्च 1900 का वार क्या है, फिर अपन वहां से 1901 पे पहुंच जाएंगे। अब 1899 से 1900 पे जाओ तो 1900 जो है वो एक शताब्दी है, और शताब्दी में हमेशा किसका भाव लगाते हैं, 400 का, लीप वर्ष को पता करने के लिए। तो यहां पर 1900 में 400 का भाव लगाओ तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष क्यों नहीं है, 400 का भाग क्यों लगाते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहां से देखो अब कि 1900 जो है अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो यहां से यहां पर 2 दिन बढ़ने का सवाल ही नहीं है, तो कितना बढ़ेंगे, 1 दिन। तो शुक्रवार से 1 दिन आगे यहां का वार क्या हो जाएगा, शनिवार। और 1900 से आगे जाएं 1901, तो 1901 तक जा रहे हैं तो यहां से यहां पर भी कोई लीप वर्ष नहीं है, तो यहां पर भी कितना बढ़ेंगे अपन, सिर्फ 1 दिन। तो यहां का वार रविवार से, शनिवार से 1 दिन आगे क्या वार पड़ जाएगा, रविवार। तो अब है सवाल नंबर 4, तो मजेदार सवाल है एक, कि वर्ष 2003 जैसा कौन सा वर्ष है, और मैंने इसके लिए ऑप्शन भी दिए, पहले आप ट्राई कर लो फिर वीडियो को आगे देखना। 2009, 2010, 2017 और 2014। अब ये कैसे पता करते हैं कि वर्ष वापस सेम रिपीट कब होगा, तो देखो यहां पर मान लेते हैं 1/1/2003। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसका बेसिक तरीका देखो कि ऐसा होता कैसे। 1 जनवरी 2003 को मान लेता हूं मैं कि सोमवार रहा हो, ठीक है, कि माना कि यहां सोमवार हो, तो
वापस जिस वर्ष का पहला दिन सोमवार होगा वो यहां से उसके सेमी होगा। तो अब पता करते हैं कि वापस सोमवार कहां पड़ रहा होगा। 2003 से 2004 तक जाना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2003 से 2004 जाएंगे। 2004 लीप वर्ष है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि लीप वर्ष है लेकिन अभी 1 जनवरी ही हुई है, अभी तक 29 फरवरी बीच में नहीं आई है। तो यहां से यहां आने पर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है, तो अपन कितना बढ़ेंगे, सिर्फ एक दिन बढ़ेंगे। तो यहां पर सिर्फ एक दिन ही बढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये संख्या लिख रहा हूं, बार नहीं लिख रहा हूं, अपन डायरेक्ट गिन के फिर निकाल देंगे। अब 4 से 5 जाएंगे तो आप सोचो 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 में जाऊंगा तो अब मेरी जनवरी के बाद यहां पर 2004 की क्या पड़ेगी, फरवरी। और 2004 क्या था, लीप वर्ष था, तो यहां 29 फरवरी बीच में आएगी, तो कितने दिन बढ़ेंगे, दो दिन, ये दो दिन, ठीक है। अब एक बार लीप वर्ष आने के बाद वापस 3 साल तक कोई लीप वर्ष नहीं आने वाला है, तो यहां एक 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 आप बढ़ा सकते हो आराम से, ठीक है। और ध्यान रखना, किसी को अगर अभी भी कंफ्यूजन हो कि यहां पर एक दिन कहां बढ़ा रहे हैं, दो दिन कहां बढ़ा रहे हैं, तो यहां मैं वापस समझा दूं आपको। 1 जनवरी 2007 से अगर मैं 1 जनवरी 2008 को जाऊंगा तो 2008 लीप वर्ष है लेकिन मैं अभी जनवरी के महीने में ही जा रहा हूं, अभी तक इसकी 2008 की फरवरी नहीं आई है, इसलिए यहां से यहां कितना बढ़ रहे हैं, एक। लेकिन अगर मैं 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 तक जाता हूं तो अब 8 से 9 जाने में फरवरी बीच में पड़ेगी, इसलिए यहां पर कितना बढ़ेंगे, दो दिन बढ़ेंगे। तो अब आप ये ध्यान रखो कि 3 बार आप एक एक लिख सकते हो, फिर 2 लिख दो, फिर वापस आप एक एक लिख सकते हो, इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। अब कोई भी बार कितने दिन में रिपीट होता है, 7 दिन में, तो 7 की जोड़ी बन जाएगी, वहां पर अपना आंसर आ जाएगा। तो 2003 में यहां सोमवार, यहां से यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई, 2 आ गया, तो यहां 7 तो बन ही नहीं पाएगा, सीधे कितना बनेगा, 8। तो इसका मतलब 7 दिन का सप्ताह पड़ ही नहीं रहा है, तो ये यहां से यहां रिपीट हो ही नहीं सकता। अब 7 दिन में अगर वो रिपीट नहीं हुआ तो कब रिपीट होगा, 14 दिन बाद रिपीट होगा फिर, क्योंकि 2 सप्ताह हो जाएंगे फिर वापस। तो वापस गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, हो गए 14 दिन। अब 14 दिन बाद तो वापस वार सेम आने आना है, और वो 14 दिन बाद जो वार आएगा सेम, वो कौन से वर्ष में आएगा, 2014 में, क्लियर। अब ये तो था कि अपन ने इस तरह से किया है, अब आते हैं इसका शॉर्ट तरीका कि कैसे पता करते हैं कि वर्ष जो है वो कहां रिपीट होगा सेम। अब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। तो साधारण वर्ष जो होते हैं वो कितने साल में वापस रिपीट हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो साधारण वर्ष कितने टाइम में रिपीट हो जाते हैं, वो ट्रिक है 6 वर्ष के लिए। तो यहां मैंने बनाई है एक ट्रिक इस तरह से कि 6 वर्ष के अंतराल में, मतलब 2 सालों में जो गैप है, 6 साल का गैप जो रहता है, उस 6 साल के गैप में अगर एक लीप वर्ष पड़ता है, अगर दोनों के बीच में एक लीप वर्ष पड़ता है तो वो साल 6 वर्ष में वापस रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 6 साल के गैप में 2 लीप वर्ष पड़ते हैं तो फिर वो 6 साल में रिपीट नहीं होंगे, फिर वो रिपीट होंगे वापस कितने वर्ष में, 11 वर्ष बाद रिपीट होंगे। तो अभी मैंने आपको सवाल पूछा था कि 2003 जैसा और कौन सा वर्ष है, तो 2003 में 6 जोड़ के देखो, 2009 ऑप्शन में है, 2003 में 11 जोड़ के देखो, 2014 भी ऑप्शन में, तो सही कौन सा है उसके लिए देखो। 2003 से अगर मैं 6 जोड़ के 2009 पे पहुंचता हूं तो यहां पर कौन से लीप वर्ष आए, तो एक तो 2004 वाला लीप वर्ष आया है और एक 2008 वाला लीप वर्ष आया है। इसका मतलब कितने लीप वर्ष आ गए, यहां पर 2 लीप वर्ष आ गए। तो 6 साल के गैप में अगर 2 लीप वर्ष आते हो तो वो 6 वर्ष में वापस रिपीट नहीं होगा, वो वर्ष कितने साल में रिपीट होगा, 11 साल में। तो इसका मतलब वर्ष 2003 जैसा सेम कैलेंडर वापस कौन सा होगा, 2014 वाला, ठीक है। तो 5वां सवाल देखते हैं, वर्ष 2006 जैसा कौन सा वर्ष है। तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि साधारण वर्ष रिपीट होते हैं 6 वर्ष या फिर 11 वर्ष में। अब 2006 से मैं 6 वर्ष अगर आगे जाता हूं तो पड़ेगा 2012, ठीक है। और 2006 के बाद लीप वर्ष कौन सा आया है, तो 2006 के बाद लीप वर्ष कौन सा आया है, 2008, और उसके बाद तो 2012 ही सीधा,
ठीक है। तो याद रखना 2006 कौन सा है साधारण वर्ष और 2012 कौन सा है लीप वर्ष, इसका मतलब कोई भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए 2006 जो है वो 2012 में रिपीट नहीं हो सकता। तो 6 साल का केस तो खत्म हो गया फिर यहां पर, तो अब रिपीट वापस कहां होगा, तो 6 साल में जो रिपीट नहीं होते हैं वो रिपीट होते हैं 11 साल में। तो इसका मतलब 2006 का कैलेंडर और वर्ष 2017 का कैलेंडर एज इट इज रहेगा वापस, ठीक है। ठीक है, तो ये तो था साधारण वर्ष के लिए, अब देखते हैं अपन लीप वर्ष के लिए। तो बात करते हैं छठे सवाल की कि वर्ष 2012 जैसा कौन सा वर्ष है, तो 2012 जो है वो लीप वर्ष है और सेम ऐसा ही लीप वर्ष और कौन सा होगा ये पता करना है। तो यहां पर सीधा सा ध्यान रखना आप, जो लीप वर्ष होते हैं वो लीप वर्ष हमेशा 28 वर्ष बाद वापस रिपीट होते हैं। तो लीप वर्ष कितना टाइम ले लेते हैं, 28 वर्ष का टाइम ले लेते हैं। तो इसका मतलब वर्ष 2012 जैसा सेम कैलेंडर वापस कौन सा होगा, 28 साल बाद होगा, और 28 साल बाद कौन सा साल आ जाएगा 2040, ठीक है। और यूं समझो जैसे अभी चल रहा है 2020, अगर मैं कहूं कि 2020 जो है वो भी लीप वर्ष ही है, तो सेम 2020 जैसा और कौन सा वर्ष होगा, तो यहां पर मैं बात करता हूं कि 3 मई 2020 उस दिन क्या है रविवार, ठीक है। तो सेम इसी डेट को रविवार हो ऐसा वर्ष कौन सा आने वाला है, तो नेक्स्ट जो आने वाला है वो 28 साल बाद होगा और वो होगा 2048। तो 3 मई 2048 को वापस उस दिन क्या वार होगा रविवार, ठीक है। तो साधारण वर्ष रिपीट होते हैं कितने साल में, 6 वर्ष या 11 वर्ष में, जबकि लीप वर्ष कब रिपीट होते हैं 28 साल बाद, ठीक है। तो ये था कैलेंडर का तीसरा वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि सब घर बैठे पढ़ सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा और अपन इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।